अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये इसका भी मुझे पता है शायद में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो स्पीच है, ये जो मैं आज वीडियो बनाने लगा हूँ, शॉर्ट वीडियो होगी, पता नहीं ये हमारे साथ टच करती भी है या नहीं करती। मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है ना, एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनाता हूँ, ऐसे समझ लें। तो क्या हुआ, एक अमेरिकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में ना, एक आदमी ने अपने दरवाजे के बाहर, अपनी शॉप के बाहर ना, एक पोस्टर लगाया जिस पे लिखा था कि हमारे पास कुछ छोटे से पपीज हैं, डॉग के बच्चे हैं, छोटे छोटे से डॉगी हैं, तो हमने उनको जो है ना फॉर सेल है। काफ़ी लोगों ने देखा, इग्नोर किया। काफ़ी दिनों के बाद ना एक बच्चा आया, बच्चे ने वो पोस्टर देखा, पोस्टर देखने के बाद वो एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उसने जो शॉपकीपर था उससे सवाल किया, उसने कहा कि आपने भाई एक पोस्टर लगाया है, पपीज जो है फॉर सेल है, तो वो कितने के हैं? तो शॉपकीपर ने रिप्लाई दिया कि भाई $30 टू $50 के दरमियान जो है ना ये वैरी करती है। अब बच्चे के पास इतने पैसे नहीं थे, छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी से, अपनी पॉकेट से जो उसकी पॉकेट मनी थी वो निकाली, वो तकरीबन $2 से $3 थी, और जो है ना उसको टेबल पे रख दिया और कहा कि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? सिर्फ लेना नहीं, मैं देख सकता हूँ। तो उसने इशारा किया शॉपकीपर ने, और एक लेडी जो थी वो उन बच्चों को लेके आई, वो दौड़ते आ रहे थे, लेकिन एक उनमें से ऐसा था जो पीछे रेंगता हुआ आ रहा था, उसकी जो है ना टांगों का कोई मसला था। तो बच्चों ने जब उसको देखा, बच्चा उन जो नॉर्मल जो डॉगीज के बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ के उसके पास चला गया जो नॉर्मल नहीं था। उसने उसको उठाया, प्यार किया, तो उसने जो है ना शॉपकीपर से कहा कि अंकल मैं जो है ना इसको खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतने पैसे देता हूँ और बाद में जो है मैं आपको पर डे के हिसाब से इतने सेंट देता रहूँगा और ज़्यादा दूंगा। तो शॉपकीपर ने रिप्लाई दिया, उसने कहा भी ये तो नॉर्मल नहीं है बेटा, आप जो है ना ये दूसरे जो बच्चे हैं इनको ले जाएं, जो भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, आप इनको ले जाएं। उस बच्चे ने रिप्लाई दिया नहीं, मैंने यही लेना है। तो शॉपकीपर के सवाल करने पर बच्चे ने जो रिप्लाई दिया, असल बात जो है इसका वो यहाँ पे है कि बच्चे ने क्या किया, अपनी पैंट उतारी और आंखों में आंसू थे, उसकी तरफ देख रहा था। शॉपकीपर की आंखों में देखते हुए उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं खुद जो अपने लिए चल नहीं सकता था, लेकिन इन ये जो मेरी टांगों में जो उसके ब्रेसलेट्स लगी हुई थी, किसी भी उसकी मेटल थी, उसने कहा इनकी वजह से मैं चलना स्टार्ट हुआ, मैं भी नॉर्मल नहीं था। तो इस बच्चे को ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इसको समझे और इसको चलाए, ना कि उनकी जो इनको उठा के एक साइड पे रख दें। तो इस वीडियो बनाने का मकसद और इस स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि आपको भी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपको समझे, आपके लिए काम करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इनक्रेज करे कि इसको बार बार करो, ट्राई अगेन। और वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, वो मोहम्मद उस्मान नहीं है, वो कैजुअल हेल्प डेस्क नहीं है, ना वो हमारा यूट्यूब चैनल है, ना वो हमारा फेसबुक ग्रुप है, वो आप अपने लिए खुद हैं। आप अपने आप को देखें, आप क्या हैं, आपने क्या करना है, आपको किसकी ज़रूरत है, आपको उसकी क्यों ज़रूरत है, आप वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद उस्मान जैसे कि मैं ऐसा नहीं है जो आपके लिए कुछ कर सके। हाँ, मैं वसीला बन सकता हूँ किसी भी तरह से, ये भी अल्लाह ताला ही वसीले बनाता है हर किसी के लिए, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए कोई और बनता होगा या मेरे लिए कोई और बना होगा, हम एक दूसरे के लिए वसीला बन सकते हैं, वो भी कैसे, एक दूसरे की हेल्प आउट करके। लेकिन आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप सब अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ होनेस्ट रहें, कंसिस्टेंट रहें, कोई कॉपी पेस्ट ना करें। टाइम लगता है, मैं आपको इतना सा बताता हूँ, इतना बताता चलूँ कि हमेशा अच्छी चीज़ जो होती है वो कुर्बानियाँ मांगती है, हमेशा जो सक्सेसफुल लाइफ होती है वो कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी से मुराद ये नहीं कि आप गर्दन कटा दें, कुर्बानी से मुराद ये है कि आपको अपने शौक को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने टाइम में से अपनी कंपनी को रिमूव करना पड़ेगा, आपको खाने पीने से छुटकारा पाना पड़ेगा, आपको नींद से छुटकारा पाना पड़ेगा कि मैं कम से कम सुन। ये भी हमारे लिए कुर्बानी ही होती है इस एज के अंदर, जिस एज में इस वक्त हम सब हैं। तो कोशिश करें आप सब लोग अपने साथ कंसिस्ट रहें और मोटिवेट रहें, ऑनेस्ट रहें, सबसे बड़ी बात है ऑनेस्ट रहें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, जो है आपका अपना है। क्योंकि जब आपकी पहचान होगी वो आपकी अपनी होनी चाहिए। मेरा जो मानना है जिस बेस पे मैं ये काम करता हूँ, ऊपर आता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि आपने उस पॉइंट पे आना है जब आपका इंट्रोडक्शन, आपकी शख्सियत हो,
कि लोग जब कहीं मोहम्मद उस्मान तो उसके इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक हुआ जाए, आपको कराना ना पड़े कि दिस इज मोहम्मद उस्मान आई एम फ्रॉम फला फला फला, ये नहीं। तो इस तरह से अपने गोल्स बनाएं, आगे की तरफ लेके आए, आगे की तरफ आए, खुद अपने आप को खुद इनकरेज करें, खुद मोटिवेट करें। डिसअपॉइंट तो नाम ही नहीं है ना, नाउमीदी तो ऐसे समझो हम जैसों के लिए है ही नहीं, नाउमीदी कर ही नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह, अगर हम दीन की बात भी लेके आए तो मेरा अल्लाह ये बात कहता है कि नाउमीदी कुफर है, नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात, फैसला करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, आप लोग मेहनत करो, अजर मेरा अल्लाह देगा। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि आप लोग अपने साथ चलें, किसी और के साथ नहीं हो सकते, अपने साथ कंसिस्टेंट रहें, अपने साथ ऑनेस्ट हों, कि जब आप अपने साथ कोई बात करें वो बिल्कुल पाकीज़ा बात हो, बिल्कुल झूठ से एक साइड पे हो, झूठ का उससे ताल्लुक रहो, इतना भी ना हो कि जैसे आटे में नमक के बराबर हो। तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, मेरा ये यकीन है आप भी इसको यकीन बनाएं, और इंशाल्लाह आप जो है इसी के ज़रिए बहुत आगे को जाएंगे। टाइम लगेगा, टाइम हर काम में लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे इसका जो है आपको बेनिफिट होगा और पॉजिटिव होगा। तो आज की वीडियो का मकसद जस्ट इतना ही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।